आपकी लाइफ के 9 साल बर्बाद होने वाले हैं और वो भी सिर्फ अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करके। क्या आप जानते हो अगर आप दिन में मात्र 4 से 5 घंटे भी फोन पर रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो तो आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? साल का टोटल 1460 घंटे। और अब जरा मान के चलो कि आपकी लाइफ 80 साल की है जिसमें आपको 13 या 14 साल की एज के बाद मोबाइल फोन मिला है, तो जरा अपनी लाइफ के 67 साल को उन 1460 घंटों से मल्टीप्लाई करो, तब आप देख पाओगे कि आपने अपनी पूरी लाइफ स्पैन के 9 से ज्यादा साल वेस्ट कर दिए हैं। दोस्तों, 9 साल में दुनिया बदल जाती है, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया 2 बार वर्ल्ड कप जीत जाती है, और सोचो आप उन 9+ सालों को वेस्ट करने वाले थे। पर आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपका दोस्त मिस्टर प्रोटॉन आपकी लाइफ के वो 9 से ज्यादा साल बचाने आया हूँ। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप अपने फोन के साथ अपना रिलेशन कुछ इस तरह बिल्ड कर लेंगे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप दिन ब दिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड भी रहेंगे। तो अगर आप भी अपने फोन के साथ अपने बेटर रिलेशन बनाना चाहते हो, यानी जिसके इस्तेमाल के बावजूद भी आपकी जिंदगी के 9 से ज्यादा साल सेव हो जाएंगे, तो आप अपने उन सालों में कोई प्रोडक्टिव स्किल सीख के अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, पूरी कमिटमेंट के साथ ये सारे स्टेप्स फॉलो जरूर करना। तो चलो आज फिर से आपकी लाइफ में गजब की वैल्यू ऐड करते हैं दोस्तों, जिसके लिए सबसे पहले आती है सेटिंग नंबर 1, टर्न ऑन साइलेंट मोड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो या ऑफिस का काम करने बैठ रहे हो और अचानक आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आई? अब जैसे ही आपने नोटिफिकेशन देखने के लिए मोबाइल उठाया, बस फिर आपका ध्यान जाएगा इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स पे, फेसबुक की नोटिफिकेशंस पे, और जैसे ही इनमें से एक भी ऐप को आपने ओपन किया, आपके काम का हो गया सत्यानाश। इसीलिए सबसे पहले काम जो आपको करना है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, कोई बुक या इम्पोर्टेंट आर्टिकल रीड करते वक्त अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालना है और ऐसे साइड करना है जैसे ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स को करते हो। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो प्रूवन है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर एक टास्क को पूरे फोकस के साथ कंप्लीट करना होगा। और ऐसा मैं नहीं बल्कि ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी खुद कहते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि अगर हमसे कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या कॉल मिस हो गया फोन साइलेंट करने से, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे? वेल, इसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में पोमोडोरो इफेक्ट के बारे में बताया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो का मेन मकसद आपको फोन से दूर करना नहीं बल्कि आपके और आपके फोन के रिलेशंस को बेहतर बनाना है, जिसकी हेल्प से आप अपने फोन का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने कीमती वक्त को बर्बाद होने से बचाएं। साइलेंट करने के बाद उसे करो डिलीट मोस्ट टाइम यूज्ड एप्स। दोस्तों, क्या आप जानते हो आज से 20 साल पहले पूरे वर्ल्ड में लगभग 20 से 30% तक की पॉपुलेशन ही इंटरनेट का यूज करती थी और मोस्टली लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कॉलिंग, मैसेजेस और छोटी मोटी गेम्स के लिए करते थे। पर आज आप खुद देख सकते हो कि इंटरनेट हमारी लाइफ का कितना एडिक्टिव पार्ट बन चुका है। वर्ल्ड की मोर देन 91% पॉपुलेशन इस समय इंटरनेट को कंज्यूम कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक मैसिव इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि नीट, जेई एंड क्लास 6 to 10th लर्नर्स के लिए रेलिवेंट है। अन अकेडमी लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ा इवेंट आप सभी के लिए। इस इवेंट में होने वाले हैं बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी मस्ती एंड यस, पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। मैंने तो सुना है कि जो भी इवेंट देखेगा उन सब के लिए कुछ ना कुछ है। भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड अटेंड करने वाला हूँ इवेंट। आप लोग मिस नहीं कर सकते अगर आप भी जेई और नीट के एस्पिरेंट हो या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। आपको पता है कौन कौन आने वाला है? सीप मैम, अरविंद कालिया सर, भुवन बम और भी जेई, नीट एंड फाउंडेशन के एजुकेटर्स, क्रिएटर्स एंड इन एग्जाम्स के टॉपर्स। 24 अक्टूबर को शाम को 6 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। डेट अभी से सेव कर लीजिए। इससे बड़ा इवेंट नहीं देखा होगा आपने। करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर एक लिंक है, उसे क्लिक करिए एंड अभी नोटिफाई मी बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा यू विल बी नोटिफाइड इंस्टेंटली। ये है दिल से दिवाली अन अकेडमी वाली। और सिर्फ अभी नहीं, कोविड वाले 2020 का जरा ये आंकड़ा देखो।
7 बिलियन की पॉपुलेशन में से लगभग 5.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स थे और आज तो ये नंबर पूरी 7 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंच चुका है। छोटे बड़े ऐरे गैरे हर किसी के हाथ में आज इंटरनेट पकड़ा दिया है, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। आज की डेट में इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है रोज नए नए लॉन्च होने वाले एप्स। अब जैसे कि टिकटॉक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोविड के टाइम पे इंडिया में एक सर्वे के अकॉर्डिंग टिकटॉक को 14.1 मिलियन डाउनलोड मिले थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि टिकटॉक एक बहुत ही पैसिव ऐप था, इजी टू यूज था और सारी फनी और क्रिंज वीडियोस का पिटारा था। अब टिकटॉक को सक्सेसफुली एक यूट्यूबर ने बैन करवा दिया, लेकिन आज भी आपके फोन में ऐसे कई सारे फालतू के ऐप्स हैं जो आपके फोन के एडिक्शन को बढ़ाने के साथ साथ आपके फोकस को भी कमजोर कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने फोन से इन सभी ऐप्स को डिलीट करना है। और मैं जानता हूँ कि हम सबके लिए टफ कॉल्स लेना मुश्किल होता है, गेम्स, रील्स, शॉर्ट्स, चैटिंग ऐप्स, बेटिंग ऐप्स, इन सबको हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थानोस का वो फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर द स्ट्रॉन्गेस्ट विल। तो भाई अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनना है, इस रैट रेस से निकलकर आगे जाना है और हर वो चीज अचीव करनी है जो कभी आपका सपना हुआ करती थी, तो आपको अपने फोन से उन सभी ऐप्स को आज ही डिलीट करना होगा जो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। और अगर तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको यूज करना है सेटिंग नंबर 3, एप्स ब्लॉकर। ये पार्ट शुरू करने से पहले जरा ये वीडियो देखो। इस लड़के को ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल फोन की ऐसी आदत लग गई कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, और जब इसके हाथ से फोन छुड़वाया गया तब भी ये उस गेम के एक्शंस कर रहा था। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, एडिक्शन। और अपनी इस आदत को सुधारने के लिए आपको यूज करना है एप्स ब्लॉकर का। ये ऐप आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों सिस्टम के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में मिल जाएगी। वहां से आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका आपको कुछ इस तरह का आइकन दिख जाएगा। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल बनानी होती है। अब जैसे कि मैं वर्क नाम की एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। इसके बाद आप देख पाएंगे कि आप किस किस दिन अपने ऐप्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली संडे के अलावा बाकी सभी दिन अपने ऐप्स को ब्लॉक रखना चाहता हूँ। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको टाइम सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने टाइम तक अपने ऐप्स को ब्लॉक रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरी ऐप्स मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक अपने आप ब्लॉक हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर कोई मुझे मंडे से सैटरडे को सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में मैसेज करेगा, तो मेरे पास ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगी और ना ही ये ऐप ओपन होगी। और जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हो कि मैंने अगर खुद से भी इस व्हाट्सएप को खोलने की कोशिश करी तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि ऐप इज ब्लॉक्ड ऑल डे। मतलब मैं अगर चाहूँ भी तब भी ये ऐप नहीं खुल पाएगी जब तक मैं इसकी सारी सेटिंग्स को वापस से रीसेट नहीं कर देता। तो दोस्तों है ना ये कमाल की ऐप। और इस ऐप के बारे में जानकारी देने का रीजन किसी तरह का ऐप प्रमोशन या शाउट आउट नहीं है, बल्कि मैं खुद इन ऐप्स का यूज करता हूँ और जहाँ मुझे लगता है मैं अपनी YouTube फैमिली की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की ओर कदम रख सकता हूँ, तो वो मैं दिल से करता हूँ। सेटिंग नंबर 4, रिमूव ऑल एप्स फ्रॉम होम पेज। जरा 2023 का ये डेटा देखो। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में एक एवरेज मोबाइल फोन यूजर के फोन में 80 से भी ज्यादा एप्स होते हैं, जिसमें जानते हो आप डेली यूज कितने करते हो? दिन में मात्र 9 से 10 ऐप्स और महीने के 30 से 40 ऐप्स, और बाकी के 40 ऐप्स फालतू पड़े रहते हैं और आपका ध्यान भटकाते रहते हैं। इसीलिए इस टास्क में सिंपली आपको अपने फोन की होम स्क्रीन से सारे ऐप्स को हटा देना है। अगर आप चाहो तो एक दो इम्पोर्टेंट ऐप्स को रख सकते हो जो आपके वर्क या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, लेकिन इसके अलावा आपको अपने फोन से सारे ऐप्स को होम स्क्रीन से रिमूव कर देना है। ऐसा करने से आप जब भी किसी इम्पोर्टेंट टास्क के बीच में अपना फोन पिक करोगे तो आपको उस ऐप का कूल आइकन अपने होम स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, जिसकी हेल्प से आप उन ऐप्स को उतना यूज ही नहीं कर पाओगे जितना पहले किया करते थे। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि अगर कोई ऐप हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका कूल सा दिखने वाला आइकन, क्योंकि वही उस ऐप के क्लिक रेट को इंक्रीज करता है। और आपने अक्सर सुना ही होगा जो दिखता है वही बिकता है, और ये बात ऐप डेवलपमेंट कंपनीज बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो अपने ऐप के आइकन्स डिजाइन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देती हैं। और ऐसे में कितने ऐसे इन्फॉर्मेटिव ऐप्स हैं जिनका आइकन डिजाइन उतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से उनपे कोई भी क्लिक नहीं करता। तो आपको सिंपली एक दो ऐप्स के अलावा अपनी फोन की होम स्क्रीन से सारे ऐप्स को रिमूव कर देना है, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ ऐप्स के कूल आइकन वाले ट्रैप से बचोगे बल्कि आपके ब्रेन को किसी पर्टिकुलर ऐप को सर्च करने
करने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जो सडनली आपको अनयूजुअल ऐप के यूजेज से बचाएगा। और स्पेशली ये वाली सेटिंग मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन एप्स के कूल आइकन्स वाले ट्रैप ने आपके फोकस को इस कदर खराब कर दिया होता है कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने अपना फोन किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए पिक किया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज ही आप अपने फोन की होम स्क्रीन से सभी अनयूजुअल एप्स को रिमूव कर देना, और ऐसा आप सिर्फ 21 दिनों तक करके देखिए। आप खुद ये महसूस कर पाएंगे कि पहले के कंपैरिजन में आपका फोकस अब काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। और यही फोकस बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है सेटिंग नंबर 5, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। चलो आप सब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, और मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर लिखें। बताओ कि एक दिन में आप अपने दोस्तों को कितने रील्स भेज देते हो, और उधर से कितनी रील्स आ जाती हैं, और ये सब पता है किस वजह से होता है? नोटिफिकेशन से। आप देख सकते हो इंडिया में एक जेन जी ऑन एन एवरेज दिन की 450 रील्स देख जाता है, वो भी 3 घंटे लगाकर। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है नोटिफिकेशंस। इसीलिए अब आपको सिंपली अपने फोन की सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑफ कर देना है, और आप चाहो तो बैजेस वाला ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो। ऐसे में आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बल्कि जब भी आप फोन को अनलॉक करोगे तो आपको उस ऐप के ऊपर एक रेड मार्क में नंबर देखने को मिलेगा जो उस ऐप के नोटिफिकेशंस को शो कर रहा होगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और अचानक आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया या कोई भी रैंडम मैसेज आया और आपने अपना फोन पिक कर लिया। फिर ठीक 4 घंटे बाद आपको याद आता है कि अरे यार, मेरा इम्पोर्टेंट काम तो रह गया। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हमारा ब्रेन एक टास्क से दूसरे टास्क पे खुद को शिफ्ट करता है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये डिसाइड करता है कि 2 में से कौन सा टास्क इजी है, और जो उसे इजी लगता है वो अपना फोकस उधर शिफ्ट कर लेता है। और इसके ठीक बाद जब आप रील स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो आपका लिम्बिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके ब्रेन को हैप्पी इमोशंस पास करता है। और इसी माया जाल की वजह से आप ना चाहते हुए भी अपने दिन के 3 से 4 घंटे बिना सोचे समझे वेस्ट कर देते हो। और आजकल तो कुछ ऐप्स आपको ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस भेजती हैं कि आपका अटेंशन उन एप्स की तरफ जाएगा ही जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप सबका फेवरेट फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो, इसी को ले लेते हैं। जोमैटो की मार्केटिंग टीम ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि आपको हर 2 से 3 घंटे बाद कुछ न कुछ खाने का मन कर ही जाता है, और जैसे ही आपका मन करता है उनकी मार्केटिंग टीम आपको एक प्यारा सा नोटिफिकेशन भेजती है, इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा हो जाता तो मजा आ जाता, 60% ऑफ ऑन शेक्स। बस हो गया सत्यानाश। अब देखो दोस्तों, बात सिंपल सी है, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करके ये कंपनीज तो अपना भारी प्रॉफिट बना रही हैं, लेकिन बार बार डिफरेंट एप्स की नोटिफिकेशन आने की वजह से आपका टाइम ही नहीं बल्कि आपका फ्यूचर भी खराब होता जा रहा है। इसलिए अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो आप अपने फोन के सभी नोटिफिकेशंस को आज ही ऑफ कर दो, और इसके बाद यूज करो सेटिंग नंबर 6, टैप टू रेज एंड वेक टू रेज। इस सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको फोन की डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर वेक टू रेज वाले ऑप्शन को डिसेबल करना है, और साथ ही उसके बाद आपको अब टैप टू रेज वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। ऐसा करने से आप जब भी अपना फोन पिक करेंगे तो सिर्फ स्क्रीन पे टैप करने से आपके फोन की स्क्रीन शो नहीं होगी, साथ ही किसी इम्पोर्टेंट काम के वक्त अगर आप अपने फोन को अपने आसपास रखते हैं तो आपको अपने फोन को यूज करने के लिए पावर बटन को प्रेस करना होगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए मजबूर करेगा, और उसके बाद आप अपने फोन को पासवर्ड या फेस लॉक किसी से भी ओपन कर पाओगे। अब अपने फोन में ये सेटिंग्स चेंज करने से ना तो सिर्फ आपका फोकस इम्प्रूव होगा बल्कि बार बार फोन को देखना, उस पे टैप करके उसे अनलॉक करने जैसी बुरी और एडिक्टिव हैबिट से भी आप खुद को बचा पाओगे। तो ध्यान रहे, सबसे पहले साइलेंट मोड का सही यूज करो, फिर जिस ऐप पर आपका सबसे ज्यादा टाइम खर्च होता है उसे डिलीट मारो, अपनी होम स्क्रीन से सारे चमक धमक वाले ऐप्स को हटाओ, नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ करो, और ऐप ब्लॉकर का यूज करके अपने फोकस को इम्प्रूव करो। ध्यान उस जगह लगाओ जहां से आपको सच में कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट मिले और आपके सभी सपने पूरे भी हो पाएं। तो दोस्तों, ये था तरीका अपनी लाइफ के 9 से ज्यादा सालों को सेव करने का। अब ये आपके हाथ में है कि इस वीडियो के खत्म होते ही आप अपने फोन में ये सारी सेटिंग्स चेंज करते हो या नहीं। तो दोस्तों, जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी के स्पेशल इवेंट के बारे में। डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट पे क्लिक करो और उसके बाद नोटिफाई मी पर क्लिक करना मत भूलना। ये काफी मैसिव इवेंट होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताओ। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।